हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, और इसमें हम देखेंगे अनबैलेंस और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम रहती है तो उसको किस स्टेप से सॉल्व करना है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में अगर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेंगे तो उसको किस स्टेप से सॉल्व करना है ना। तो इन सभी में हम हंगेरियन मेथड लगाते हैं, यहाँ भी हम वही यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं करना क्या रहता है अनबैलेंस या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में। हमने क्या पढ़ा था हंगेरियन मेथड में कि जो सबसे पहली स्टेप रहती है असाइनमेंट की, वो क्या रहती है कि हमें सबसे पहले क्या कर चेक करना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है वो क्या होना चाहिए, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए, है ना, या बैलेंस होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पे इक्वल रहेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम क्या रहती है, स्क्वायर रहेगी या बैलेंस रहेगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम कैसी हो जाएगी हमारी, अनबैलेंस, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी अनबैलेंस्ड या नॉन स्क्वायर। अब अगर अनबैलेंस होगी तो हमें बैलेंस कैसे करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर रो कम है कॉलम से तो आप क्या करना है, डमी रो ऐड कर देना और सभी में कॉस्ट आएगी जीरो। अगर कॉलम कम है रो से, रो ज्यादा है कॉलम कम है, तो आप क्या करना है, डमी कॉलम जोड़ देना, डमी कॉलम लिख देना, और उन सभी डमी कॉलम में जो कॉस्ट आएगी, यूनिट कॉस्ट, वो जीरो रखना है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन समझते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देकर रखा है कि आपको सॉल्व करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम को फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट के मिनिमाइजेशन के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको 6 जॉब देकर रखी है और यहाँ पे 5 मशीन देकर रखी है। तो सबसे पहली स्टेप अगर मैं चेक करूँ हंगेरियन मेथड में कि जो मैट्रिक्स है क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, सबसे पहली स्टेप अगर मैं चेक करूँ हंगेरियन मेथड में कि जो मेरा मैट्रिक्स है क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, तो कैसे चेक करेंगे इसको, यहाँ पे नंबर ऑफ रो आ रही है 6, नंबर ऑफ कॉलम आ रहे 5, तो मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, रो आ रही है 6 और कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे 5, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है अनबैलेंस। अब क्या कम है, कॉलम कम है रो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डमी कॉलम जोड़ देंगे, ठीक है, हम यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, एक डमी कॉलम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा डमी कॉलम और इसको मैं मशीन 6 नाम दे दूंगा, और इस डमी कॉलम में कॉस्ट क्या आएगी, यूनिट कॉस्ट, ये आ जाएगी जीरो, ठीक है, इस डमी कॉलम में जो यूनिट कॉस्ट है वो आ जाएगी जीरो। अब देखिए मेरा मैट्रिक्स क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो हमने क्या करा कि जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं रहेंगे, मैट्रिक्स रहेगा अनबैलेंस या नॉन स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर अगर रो ज़्यादा है कॉलम कम है तो कॉलम जोड़ देना डमी, है ना, और उसमें कॉस्ट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब हम चेक करें तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, स्क्वायर बन गया है। कैसे बन गया स्क्वायर, कि 6 रो हो गई 6 कॉलम हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, तो हमारी जो आगे की स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं। फिर सेकेंड स्टेप क्या रहती है हमारी हंगेरियन मेथड के अंदर, जो सेकेंड स्टेप रहती है वो रहती है रेड्यूस द मैट्रिक्स, ठीक है, वो रहती है रेड्यूस द मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स है उसको रेड्यूस करना है। और इसमें भी जो ए पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पे रो रिडक्शन, ठीक है, ए वाला पॉइंट क्या कहलाता है, यहाँ पे रो रिडक्शन, ठीक, मतलब रो वाइज क्या करना है आपको, रिडक्शन करना है, ठीक है, ए वाला पॉइंट कहलाता है हमारा रो रिडक्शन। अब रो रिडक्शन कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा है, रो रिडक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट निकालते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे हर रो में से मिनिमम एलिमेंट निकाल दिया, तो बहुत सिंपल है, पहली रो में मिनिमम जीरो आ रहा है, सेकंड में देखो जीरो आ रहा है, थर्ड रो में जीरो, फोर्थ में जीरो, फिफ्थ में जीरो और सिक्स्थ में जीरो। तो यहाँ पे मैं रो रिडक्शन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक रो में जीरो एलिमेंट मिनिमम आ रहा है। अब इस जीरो को मैं इन सब में से माइनस भी करूंगा तो मुझे सेम सेट ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रो रिडक्शन नहीं कर सकते। दूसरा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलम रिडक्शन, तो जो बी वाला पॉइंट है वो क्या रहेगा, यहाँ पे कॉलम रिडक्शन। अब देखो कॉलम रिडक्शन करना है तो कैसे करेंगे कॉलम रिडक्शन, कि जो मुझे मैट्रिक्स देके रखा है इसमें अपन क्या करेंगे, हर कॉलम में से निकालेंगे मिनिमम एलिमेंट। तो पहले कॉलम में अगर मैं देखूँ मिनिमम कितना आ रहा है, m1 कॉलम में 2, m2 कॉलम में मिनिमम कितना आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, m3 कॉलम में मिनिमम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, m4 कॉलम में मिनिमम 2 आ रहा है, m5 कॉलम में अगर मैं देखूँ तो मिनिमम कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, और M6 कॉलम में मिनिमम कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम रिडक्शन करना पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं यहाँ पे कॉलम रिडक्शन को। तो देखिए मैं फिर से ये मैट्रिक्स बना देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा 6x6 का मैट्रिक्स है, इसको हम फिर से यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं,
ठीक है। तो यहां पे मेरे पास 6 जॉब है, J1, J2, J3, J4, J5 और J6, और 6 मशीन है, M1, M2, M3, M4, M5 और लास्ट है यहां पे M6, ठीक है। तो अब क्या करना है, कॉलम रिडक्शन करना है। तो पहले कॉलम में मिनिमम 2 आ रहा है, तो इस 2 को क्या करना है, पहले कॉलम के सभी एलिमेंट में से माइनस करना है कॉलम वाइज, ठीक है। 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं 6 माइनस 2 लिखूंगा तो 4, पहले कॉलम में से 2 माइनस करना है, ठीक है। 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 2 7 और 4 माइनस 2 2, यह आ जाएगा। अब सेकेंड कॉलम में भी मिनिमम 2 आ रहा है, तो इस 2 को क्या करना है आपको, M2 कॉलम के सभी एलिमेंट में से माइनस करना है। तो क्या आएगा M2 कॉलम में, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0, 3 माइनus 2 1 और 7 माइनस 2 5, माइनस करना सिंपल सभी को आता है। थर्ड कॉलम में 3 आ रहा है मिनिमम, तो 3 को माइनस करो M3 कॉलम के सभी एलिमेंट में से, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 कितना होगा 0, 8 माइनस 3 कितना होगा 5, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, ठीक है। वैसे ही M4 कॉलम में मिनिमम फिर 2 आ रहा है, वापस 2 को माइनस करो सभी एलिमेंट में से M4 के, तो 2 माइनस 2 0, ठीक है। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, फिर नेक्स्ट क्या जाएगा 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 2 2, 9 माइनस 2 7 और 6 माइनस 2, यह आ जाएगा 4। वैसे ही M5 कॉलम हम देखें, मिनिमम आ रहा है 6, और 6 नहीं है मिनिमम, ये गलत हो गया यहाँ पे, मैंने देखा नहीं है, इसको आप सुधार लेना। मिनिमम यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, मैंने गलती से 6 लिख दिया था, आप उसको चेक कर लेना, मिनिमम यहाँ पे 5 आ रहा है। तो अब 5 मिनिमम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे M5 कॉलम में से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 माइनस 5 1, फिर 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2 और 8 माइनस 5, ये कितना जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और 0 में से कुछ भी माइनस करो, 0 माइनस 0 करेंगे तो वही 0 ही मिलेगा, तो लास्ट कॉलम में मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, कि हर एक कॉलम और हर एक रो में कम से कम एक 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो हर एक रो में तो 0 दिख रहा है और हर एक कॉलम में भी 0 हम लेके आ गए यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम रिडक्शन। तो रिड्यूस करने के बाद चेक कर लेना कि हर एक कॉलम हर एक रो में कम से कम एक सिंगल 0 एलिमेंट अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे आएंगे, और थर्ड स्टेप क्या रहेगी यहाँ पे, थर्ड स्टेप रहेगी मैक असाइनमेंट, मतलब जो आपका रिड्यूस मैट्रिक्स है उसमें आपको क्या करना रहेगा, असाइनमेंट करना रहेगा, ठीक है, मैक असाइनमेंट। अब असाइनमेंट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देखिए, पहले करेंगे असाइनमेंट रो से लेके फर्स्ट रो से लेके लास्ट रो तक, ठीक है, मतलब J1 से लेके J6 तक हम असाइनमेंट करेंगे। अब कैसे करना है असाइनमेंट, तो देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले AC रो को देखो जिसमें सिंगल 0 आ रहा है, तो पहली रो में 3 0, सेकेंड रो में 2 0, थर्ड रो में आ रहा है सिंगल 0, तो इस सिंगल 0 को हम क्या करेंगे, असाइनमेंट दे देंगे, और करस्पॉन्डिंग कॉलम के सारे 0 क्या कर देंगे, कैंसल। कैंसल क्यों करते हैं, क्योंकि एक जॉब केवल एक ही मशीन पे असाइन होगी, ठीक है। फोर्थ रो में भी ज़्यादा 0 आ रहे एक से, नहीं कर सकते असाइनमेंट। फिफ्थ रो में 0 कैंसिल हो चुका है, सिक्स्थ रो में 0 कैंसिल हो चुका है, तो ये मेरा रो असाइनमेंट हो गया है, ठीक है। अब करेंगे अपन कॉलम असाइनमेंट, कहाँ से कहाँ तक, M1 कॉलम से M6 कॉलम तक, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब M1 कॉलम में देखो कितने 0 आ रहे हैं, सिंगल 0 आ रहा है, तो मैंने इस सिंगल 0 को क्या करा, असाइनमेंट दे दिया, और करस्पॉन्डिंग रो के 0 कैंसिल करना है, तो ऑलरेडी कैंसल्ड है, ठीक है। M2 कॉलम में कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकता। M3 कॉलम में कितने 0 आ रहे हैं यहाँ पे देखा, तो सिंगल 0 आ रहा है, इस पर असाइनमेंट दे दिया मैंने, और करस्पॉन्डिंग रो के जो रिमेनिंग 0 है वो कैंसिल कर दिए, ठीक है। M4 कॉलम में कितने 0 आ रहे हैं, 1 0 आ रहा है, तो ये मैंने असाइनमेंट कर दिया, ये हो जाएगा मेरा फोर्थ असाइनमेंट, राइट। और क्या करेंगे अपन, करस्पॉन्डिंग रो के जो 0 है वो क्या करेंगे यहाँ पे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। M5 कॉलम का 0 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, और M6 में भी कोई 0 नहीं बचा है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने असाइनमेंट आ रहे हैं, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ असाइनमेंट ये आ रहे हैं 4, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब जितने का 6x6 का मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 6 होगा, 5x5 का मैट्रिक्स है ऑर्डर 5 होगा। हमारे एग्जाम्पल में मैट्रिक्स है 6x6 का, 6 रो है 6 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 6 होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है वो 6 से छोटे है, और 6 का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
तो इसका मतलब क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है. सो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल. ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है. अब ऑप्टिमल नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, फोर्थ, कि हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स को रिवाइज करना रहेगा. तो जो फोर्थ स्टेप है, ये असाइनमेंट करने के बाद आप एक और वापस से इस मैट्रिक्स को बना लेना, या इसी में आप रिवाइज कर देना और डेवलप कर लेना नया मैट्रिक्स. तो फोर्थ स्टेप में इसी में लिख रहा हूं, क्या करेंगे हम लोग यहां पे, रिवाइज न्यू मैट्रिक्स. ठीक है, अब रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज करने का मतलब क्या होता है, ये जितने भी जीरो है इन सभी जीरो को मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कवर करना है. अब मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि भैया चार असाइनमेंट हुए हैं तो चार स्ट्रेट लाइन से सारे जीरो कवर होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में. तो स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं, वो सिंपल सा है कि एसी रो को देखो, चार स्टेप है, एसी रो को देखो जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है. ठीक है, तो अगर हम देखें एसी कौन सी रो जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है, पहली रो में असाइनमेंट है, सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ और सिक्स्थ रो ऐसी है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है. तो इन दोनों को आप टिक मार्क लगा दो, ये मेरी हो गई पहली स्टेप. ठीक है, इन दोनों को टिक मार्क लगा दिया. दूसरा, अब जिस रो को आपने मार्क किया है उसमें देखो जीरो कितने आ रहे हैं और किस किस कॉलम में आ रहे हैं. तो इन जिन रो को मैंने मार्क किया उसमें देखे जीरो सिक्स कॉलम में आ रहे हैं, तो मैंने क्या करा, सिक्स कॉलम को मार्क कर दिया. ये मेरी सेकेंड स्टेप हो गई. ठीक है, अब जिस भी कॉलम को आपने मार्क किया है उसमें देखो असाइन जीरो कौन सी रो में आ रहा है. तो मैंने सिक्स कॉलम को मार्क किया है, सिक्स कॉलम में असाइन जीरो मिल गया मुझे यहाँ पे, असाइन जहाँ पे मैंने असाइनमेंट करा है, कौन सी रो में आ रहा है ये, जे थ्री रो में. तो आप क्या करोगे, जे थ्री रो को मार्क कर देना. ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप. ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, जो मार्क्ड, जो अनमार्क्ड कॉलम है, अनमार्क्ड कॉलम, सॉरी अनमार्क्ड रो है और मार्क्ड कॉलम है, अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम, इनको स्ट्रेट लाइन से कवर करना है. ठीक है, अब देखो अनमार्क्ड रो कौन कौन सी है, पहली रो अनमार्क्ड है, स्ट्रेट लाइन से कवर कर दो एक, सेकेंड रो भी अनमार्क्ड है, स्ट्रेट लाइन से कवर कर दो दो, फोर्थ रो भी अनमार्क्ड है, स्ट्रेट लाइन से कवर कर दो तीन, और लास्ट कॉलम क्या है, मार्क्ड है, तो इसको स्ट्रेट लाइन से कवर कर दो. तो देखो सारे जीरो हमारे कवर्ड हो गए हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज फोर से. ठीक है, अब अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी आएगी फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में हम लोग करेंगे डेवलप न्यू मैट्रिक्स. ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप क्या रहेगी यहां पे, डेवलप न्यू मैट्रिक्स. ठीक है, इसको लिखेंगे अपन डेवलप न्यू मैट्रिक्स. तो अब नया मैट्रिक्स क्या करना है, आपको डेवलप करना है. ठीक, अब नया मैट्रिक्स डेवलप करना है तो क्या करेंगे, इसमें इसमें भी हम चार स्टेप फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहां पे मिनिमम एलिमेंट अनकवर्ड. ठीक है, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट. तो देखो अनकवर्ड एलिमेंट देखें हम क्या क्या है, 5 6 3 7 3 7 1 5 7 2 2 5 1 4 3. अब इसमें मिनिमम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है अनकवर्ड में, तो मेरा मिनिमम एलिमेंट कितना आ गया, 1. ये मेरी पहली स्टेप हो गई. ठीक, अब मैं इस मैट्रिक्स को फिर से एज इट इज बना लेता हूं यहां पे. ठीक है, इस मैट्रिक्स को अपन एज इट इज फिर से बना लेते हैं. ये हो जाएगा हमारा, जॉब्स लिख देते हैं यहां पे रो वाइज, जे वन जे टू जे थ्री जे फोर जे फाइव और जे सिक्स, और यहां पे क्या जाएगा, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव और एम सिक्स. ठीक है, तो हमने पहले क्या करा, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट निकाल दिया, 1 आ गया. अब सेकेंड स्टेप क्या करना है नए मैट्रिक्स को डेवलप करने में, कि जो मेरा मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट है उसको क्या करना है आपको, जहां पे स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे मिनिमम एलिमेंट को ऐड करना है. ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन कहां का इंटरसेक्ट हो रही है, एक तो जे वन एम सिक्स पे, एक जे टू एम सिक्स पे, दो जगह, एक जे फोर एम सिक्स पे, तीन जगह स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है. यहां ऑलरेडी जीरो है, अब क्या करना है आपको, मिनिमम एलिमेंट 1 को वहां पे जोड़ना है. तो क्या हो जाएगा यहां पे, जे वन एम सिक्स 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा, जे टू एम सिक्स ये भी हो जाएगा 0 प्लस 1 और फिर जे फोर एम सिक्स तो ये भी हो जाएगा यहां पे 0 प्लस 1. ठीक है, ये तीनों जगह 1 हो जाएगा. मैंने आपको समझाने के लिए लिखा 0 प्लस 1, आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं ऐड करके. ठीक, तो पहली स्टेप क्या थी, मिनिमम एलिमेंट निकालना है अनकवर्ड में से, हो गया. दूसरी स्टेप क्या थी, कि जहां पे स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे ये मिनिमम एलिमेंट 1 को ऐड करना है.
अगली स्टेप क्या रहेगी, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसको एज इट इज लिख दो, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसको एज इट इज लिख दो। तो पहली सॉरी जो कवर्ड एलिमेंट है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है, जो कवर्ड एलिमेंट है उसको एज इट इज लिख दो। तो पहली जो कवर्ड है इसको ऐसा कैसा लिखो, क्या आएगा 4, 0, 2, 0 और 1, ये हो गया कवर्ड। सेकेंड रो भी कवर्ड है, रिमेनिंग एलिमेंट ऐसे कैसे लिख दो, ये हो जाएंगे 0, 3, 5, 5 और 2, ठीक है। अब J3 ये तो अनकवर्ड है छोड़ दो, J4 भी कवर्ड है, रिमेनिंग एलिमेंट ऐसे कैसे लिखो J4 के 4, 0, 0, 2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। और लास्ट कॉलम भी कवर्ड है तो इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट है ऐसे कैसे लिख दो, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पे देखो, J3 पे 0 आ रहा है, J5 पे 0, J6 पे 0, तो यहाँ जगह तीनों जगह आप 0 लिख देना, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट अपन, यहाँ पे जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनका क्या करना है, तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है हमें, ये जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है इन सभी में से इस मिनिमम एलिमेंट को माइनस करना है, जो कितना है हमारा 1 है। तो जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है सब में से 1 माइनस कर दो, तो मैं 1 माइनस करके लिख रहा हूँ, तो हम सभी को पता है 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, पहले J3 रो की बात कर रहा हूँ, 6 - 1 - 5, 3 - 1 - 2, 7 - 1 - 6, 3 - 1 - 2, ठीक है। फिर वैसे ही J5 में 1 माइनस करेंगे तो 7 - 1 - 6, 1 - 1 - 0, 5 - 1 - 4, 7 - 1 - 6, 2 - 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 1। ऐसे J6 में देखेंगे तो 1 माइनस करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 1, फिर 5 - 1 - 4, फिर 1 - 1 - 0, फिर 4 - 1 ये हो जाएगा 3, और फिर 3 - 1 ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 5। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर से असाइनमेंट करना है, तो हम स्टेप नंबर 3 पे चले जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 3 को फॉलो करेंगे, तो जो अगली स्टेप है मेरी 6th स्टेप वो क्या रहेगा, फिर से गो टू स्टेप 3, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैक असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट करना है। अब असाइनमेंट कैसे करना है वो आपको बता चुका हूँ मैं, पहले करेंगे रो वाइज असाइनमेंट, पहली रो से लेके लास्ट रो तक। तो मुझे बताओ पहली रो में 2 0 आ रहे हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड रो में 1 ही 0 आ रहा है, देख लो सेकेंड रो में 1 ही 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंगल 0 का असाइनमेंट दे देंगे, और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 कैंसिल करना है, तो कोई 0 आ नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रो में भी 1 0 आ रहा है, आप इसको असाइनमेंट दे दो, और करस्पॉन्डिंग कॉलम के जो 0 है उनको कैंसिल कर दो, ठीक है। फोर्थ रो में 3 0 आ रहे हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकता। फिफ्थ रो में 1 0 आ रहा है, बट इसके नीचे चेक कर लेना कोई सिंगल 0 तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा थर्ड असाइनमेंट, और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 कैंसिल। सिक्स्थ रो में भी 0 एक ही बच रहा है, तो इसको असाइनमेंट कर देना, ये हो गया मेरा फोर्थ असाइनमेंट, और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये रो वाइज असाइनमेंट हो गया। अब चलेंगे अपन कॉलम वाइज असाइनमेंट, तो कैसे करेंगे कॉलम असाइनमेंट, अपन चलेंगे इसको कैंसिल करना था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे, तो कहाँ से कहाँ चलेंगे, M1 से लेके M6 कॉलम तक। तो देखो पहले कॉलम असाइनमेंट हो गया, M2 कॉलम असाइनमेंट हो गया, M3 कॉलम में भी असाइनमेंट हो गया है, M4 कॉलम में कितने 0 आ रहे हैं, सिंगल 0 आ रहे हैं, तो मैंने क्या करा है सिंगल 0 का असाइनमेंट दे दिया, ये हो जाएगा मेरा फिफ्थ असाइनमेंट, और करस्पॉन्डिंग रो के 0 कैंसिल करना है, ऑलरेडी कैंसल्ड है। फिफ्थ कॉलम में 1 0 आ रहा है, इसको मैंने असाइनमेंट दे दिया, ठीक है, ये हो गया मेरा 6th असाइनमेंट, करस्पॉन्डिंग रो के 0 कैंसिल करना है, ऑलरेडी कैंसल्ड है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से तो कितने असाइनमेंट होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा मेरे 6 असाइनमेंट, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है वो हो गए 6, और वो किसके बराबर आ गए, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ गए, तो हमारे जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन आया ये मेरा रहेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसको लिखना कैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ उसको कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन को आपको लिखना कैसे है। तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या देख रखा था, जॉब्स देख रखी थी, तो जॉब दी थी आपको J1, J2, J3, J4, J5 और J6, ये आपको जॉब देकर रखी थी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मशीन्स देकर रखी थी, और साथ में हमको इनकी कॉस्ट लिखना है, ठीक है। तो देखिए जॉब J1 को हमने कौन सी मशीन पे असाइन किया है, तो J1 को असाइन किया M4 पे, तो मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे कि जो J1 है उसको हमने M4 पे असाइन किया है, हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को देखेंगे। J2 को असाइन किया अपन ने M1 पे, तो J2 असाइन हुई है M1 पे, J3 असाइन हुआ है
एम सिक्स पे, जे थ्री गया है एम सिक्स पे, जे फोर असाइन हुआ है एम फाइव पे, जे फोर गया है एम फाइव पे, और जे फाइव गया है एम टू पे, जे फाइव है एम टू पे, और जे सिक्स गया है हमारा एम थ्री पे। ठीक है, तो ये सारे असाइनमेंट हो गए हमारे एम थ्री। अब इनकी कॉस्ट अपने को ओरिजिनल मैट्रिक्स से लिखना है। तो जे वन एम फोर पे साइन हुआ है, जे वन एम फोर पे साइन हुआ है, कितनी कॉस्ट आ रही है यहाँ पे टू, तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिख दी टू। जे टू एम वन पे साइन हुआ है, इसकी कॉस्ट भी टू आ रही है। जे थ्री एम सिक्स पे साइन हुआ है, जे थ्री एम सिक्स पे, तो डमी था तो जीरो आ जाएगी कॉस्ट। जे फोर किस पे गया है, एम फाइव पे। ठीक है, जे फोर एम फाइव पे गया तो कॉस्ट क्या रही है यहाँ पे फाइव। ठीक है, और जे फाइव किस पे जा रहा है, एम टू पे, कॉस्ट आ रही है थ्री। और जे सिक्स भी गया है, सॉरी जे सिक्स गया है एम थ्री पे, तो कॉस्ट आ रही है फोर। इसको हम टोटल कर लेंगे तो ये फोर और फाइव नाइन, नाइन और थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व और फोर सिक्सटीन। तो यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या आ गई हमारी, सिक्सटीन आ गई है, और ये हमारा रहेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।